हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो इससे पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग यहाँ पहुंचे थे इस रिजॉर्ट में, और हम लोगों ने चेक इन किया था और फिर हम स्विमिंग पूल तक गए थे। तो अब हो गई है वही वाली सेम इवनिंग जिस दिन हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, और अब हम लोग जा रहे हैं, पहले टेरेस एक्सप्लोर करेंगे इसका, क्योंकि अमन और लोकेश देख के आए हैं, और फिर हम लोग जाएंगे नीचे गार्डन एक्सप्लोर करने के लिए बच्चों के साथ, और उसके बाद जाएंगे डिनर के लिए। हाँ, तो मैं कल का प्रोग्राम बता रहा था। कल जो है सुबह ताजमहल तो देख के आएंगे, बट उसके बाद अयान को जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट ऑफिस का काम है। बताओ सबको, बताओ अयान। मुझे अम्मा मेरे वाइट और मेरे जींस लाए हो ना। हाँ, वाइट शूज और जींस लाए। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट ऑफिस में जाना है। इम्पोर्टेंट ऑफिस में जाना है तो आपको प्रोजेक्ट के लिए घर जाना होगा। घर जाना होगा प्रोजेक्ट। अच्छा, के लिए। अभी हम लोगों ने नाइट सूट पहन लिया है, सबने नाइट ड्रेसेस पहन ली हैं, और अब हम लोग चलते हैं नीचे। ये कहाँ आए हैं हम? हम आए हैं लंदन के, वी कॉल इट द मुगलाई रूम। अच्छा, द व्यू, ये है द मुगल बार और ये है द मुगल रूम। व्हाट इज दिस मुगल रूम, लेट मी सी। ओके, ये है ऊपर टॉप फ्लोर पे, मुझे लगा था हम नीचे जा रहे हैं, और ये है इधर। अरे आपने एक्चुअल रिएक्शन कैप्चर ही नहीं किया। क्या हो गया? मैंने आयान को बोला ये पपेट शो है, आयान को लगा गणपति जी हैं। पपेट ने हाथ जोड़ लिए, आयान पपेट है। आयान आपको क्या लगा? कठपुतली। आपको क्या लगा, भगवान जी है? अयान इसको ना पपेट बोलते हैं, पता है? हाथ से हाथ जोड़ लिए। सुनो अयान, मेरी बात सुनो, इस मैं बता रही हूँ ना, वो पपेट है। पपेट क्या होता है, कठपुतली होती है। हाँ। हम जब छोटे थे ना तो इनका शो देखते थे। देखो जो ये पीछे बिठा रखे हैं ना यहाँ पे, ये जो तीन बिठा रखे हैं, इनमें ना ऊपर रस्सी बंधी होती है। हाँ। तो उस रस्सी से ऊपर पीछे से कोई चला रहा होता है, और हमें ऐसा लगता है कि यही चल रहे हैं, ये पपेट्स होते हैं। हाँ चलो, ऐसे हाथ जोड़ लिए दोनों हाथों। भगवान जी है। सुंदर, चलो बाहर, चलो बाहर का और देखते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द व्यू, दिस इज विदाउट एयर कंडीशन, यू कैन फील द डिफरेंस ऑफ टेंपरेचर। वो वहां जाके बैठ गए। अच्छा, ये टेरेस है इनका, टेरेस गार्डन। यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी कम है क्योंकि बाहर हो गया अंधेरा, और ये बहुत ही बड़ा होटल है। तो इस साइड से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इस साइड भी इसकी एक बिल्डिंग है, और अगर हम दूसरी साइड जाके देखें, ये वो बिल्डिंग है जिसमें हम रह रहे हैं, सेम ऐसा दूसरी बिल्डिंग्स में भी होगा। और अगर हम इस साइड आके देखें तो इधर भी एक और बिल्डिंग है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अगर, हाँ यहाँ से दिखेगा। तो ये है एक और बिल्डिंग यहाँ की, और जैसा कि हम लोग दिन में गए थे स्विमिंग पूल में, तो वो अगर आपको दिखाऊं जूम करके, तो ये है यहाँ का स्विमिंग पूल, और इधर है यहाँ का प्ले एरिया जहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे। बहुत ही अच्छा होटल है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, और नीचे फाउंटेन्स चल रहे हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। मैं अभी दिखाती हूँ, इधर से दिखाती हूँ। हाँ ये रहे फाउंटेन्स, अभी नीचे जाएंगे तो नीचे से दिखाऊंगी। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, पपेट शो। पपेट शो, पपेट शो, किड्स के लिए पपेट शो होता है यहाँ पे। यहाँ तो बड़े ही बैठ गए हैं, तो किड्स के लिए ऐसे बैठना आपको नहीं। ये 5-7 मिनट का शो है, इसका कोई चार्ज नहीं है जो आपको शो के देना चाहो, और ये सेल के लिए घर में खुद बनाते हैं शो के बाद। आप कहाँ से हो? राजस्थान से। कहाँ से? कहाँ से? नागौर जिला। नागौर। गुड इवनिंग, दिस इज द फर्स्ट आइटम राजस्थानी नाच लेन फोक डांस इन लेडी। Thank you.
एंड क्रॉक्स पहनो हाँ पीहू दे दो आप भी दे दो चलो चलो ये मेरे पीछे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इन लोगों ने डेकोरेट करने के लिए ये रखा हुआ है हुक्का इतना बड़ा सा हुक्का है और इधर रखी हुई है बॉटल्स और इधर है ये पूरा रेस्टोरेंट और हमने यहाँ पे खड़े होके फोटोज नहीं अभी मैं ना एक्चुअल में आपको रियलिटी दिखाता हूँ अंजलि की ड्रेस की रियलिटी देखो कतई बिल्कुल शोपीस के साथ मैच कर रही है मैचिंग ये पता नहीं क्या शतरंज बनवाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कौन से राजा रानी खड़े हैं वहाँ है कह रहे हाथी ऊंट सही कह रहे हैं इधर खड़े हो जाओ एक मिनट पियो इधर आओ अरे ये नहीं मानेंगे ये नहीं मानेंगे उनको छोड़ो ना अब इन दोनों को देखो ना उनको खेल लेने दो खेल रहे हो खेल लेने दो उनको बताओ ना कौन सा चलाना है कौन सा चलाना है चलाना नहीं है रुक जाओ हाथी चलने को तैयार है हाथी चलने को तैयार हो रहा है ऐसे यहाँ पे अर्चना खिलाने वाली है चेस और ये है कैंडिडेट्स नहीं ये गोटियां हैं जो चेस खेलेंगे अरे व्हाटएवर इट इज ये चेस के हिसाब से बना हुआ है ना है अरे वॉट एवर इट इज यार क्या क्या करना है अभी कौन चलेगा हाँ ऊंट तीन कदम आगे हाथी दो कदम हाथी चलो और ऊंट स्लो मोशन वाला बीमार ऊंट है सही अरे ला गिर मत जाना हाथी ज्यादा स्पीड में भाग रहा है मैं कह रही हूँ हाँ यार ये इस साइड का व्यू भी अच्छा है ना हम इस साइड से दिन में आए थे जब स्विमिंग पूल से वापस आए थे
पार्क में जाएंगे इनको झूला झुलाना है थोड़ी देर। अरे पहले इधर फाउंटेन दिखा दो इनको, फाउंटेन। अच्छा बॉल भी उधर है और फुटबॉल। नहीं पहले इनको फाउंटेन दिखा दो। हम बॉल नहीं लाए यार, अगर हमें पता होता इतने बड़े होटल में रुकेंगे तो ले आते। हाँ एक बार टाइम पता कर लो डिनर किस टाइम तक है। ये है यहाँ पे हमें डिनर करने के लिए आना है, बट अभी देखेंगे। पहले यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। ये है फाउंटेन्स और यहाँ पे कुछ लाइट शो टाइप्स होता है, बट अभी इन्होंने दो चार ही लाइट्स ऑन की हुई है। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? मुझे लगा ब्लैक डॉगी है। ओ अयान ऐसे नहीं बोलते। अयान वेरी बैड, वेरी बैड। अयान अंदर एलिफेंट बना रखा था, यहाँ ब्लैक डॉगी। अरे मुझे ये बताओ कि ये क्या ड्रामे करते हो हर जगह जाके कि एक दिन रिजॉर्ट में ही बिताते हो, इतना महंगा रिजॉर्ट लेके। जो है ना डे वन से रिजॉर्ट 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 की जाए रिजॉर्ट की जाए रिजॉर्ट। ये सब बच्चों के लिए होता है कि बच्चों को थोड़ा मजा मिलता है खेलने का। अब आज का पूरा दिन जो है वो इसी होटल में ही बिता दिया। सुबह जाएंगे। प्लीज चेक अयान क्यों रो रहा है। अयान क्यों रो रहे हो? झूला चल रहा है ना उधर। ए अयान, अयान इनको उठाओ, पहले इनको उठाओ यहाँ से। इधर है ये बच्चों के लिए प्ले एरिया। अयान को बहुत देर से लगी हुई थी कि मुझे झूले पे झूलना है, झूले पे झूलना है। हो गया अयान, आ गया मजा, आ गया, आ गया मजा। अयान हॉर्स, अयान ये देखो हॉर्स, इस पे बैठो। अच्छा उस पे झूलोगे? आराम से, रुको 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 रुको, बैठ जाओ, बैठो। वाह यार ये भी कितना ब्यूटीफुल सा बना रखा है इन्होंने। हाँ दिन में अच्छा आएगा, अभी तो थोड़ी सी लाइटिंग कम आ रही है, बट ये अच्छा है। इधर पानी वानी है थोड़ा सा, ये वाटरफॉल टाइप्स है छोटा सा। इधर भी एक वाटरफॉल है प्यारा सा। यस बेटा आप झूल रहे हो? लाओ दिखाओ क्या झूल रहे हो आप, कहाँ झूल रहे हो? वाओ मजा आ रहा है। वेट, पीयू इज आल्सो कमिंग। अयान वेट, पीयू भी बैठेगी अभी। ये टूट जाएगा बच्चों के हिसाब का है। टाई हो गया ना? वेरी ट्रू। हाँ पर पीहू सही कह रही है। चलो पीहू कम, वन टू थ्री गो। अबे यार ये क्या, क्या हो रहा है बेटा? ये करो यार, सुना मेरी बात, एक मिनट में बात सुनो। देखो अरे एक सेकंड ना, देखो ऐसे करना है या फिर ऐसे करना है? ऐसे नहीं करना। हाँ बताओ, बच्चों का अलग होगा, बड़ों का अलग। चलो तो चार लोग कैसे करेंगे एक साथ? चार लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं। चार लोग कैसे करेंगे? वन टू थ्री। अरे क्या है, दोबारा करो। वन नहीं नहीं चार। अयान को करने दो ना। अरे अयान को कर ले, कर ले, करो। नहीं अयान करो, अलग कर रहे हैं यार। वो रूस गई यार। नहीं रूसी नहीं, अलग करेंगे। चलो पहले पहले अपना कर लेते। वन टू थ्री, सारे एक जैसे। वन टू थ्री, हम दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे। मैं तो ये निकल के मैं अकेला रह गया। अरे मेरा भी तो ऐसे ही था। कर रहे हो उसको? वन टू थ्री। क्या कर रहे हो? वन टू थ्री, सारे वन टू थ्री। अर्चना गई, अर्चना निकल गई, निकल, आप जीत गए। नहीं जो एक्स्ट्रा वाले वो जीतेंगे, जो अकेला रह गया। अब तीन बच्चों के साथ करो, चलो आ जाओ। अच्छा हम जीत गए तो अब अर्चना हार गई। अयान करो आंटी के साथ करो। ये रूस गए, वो कह रहा मैं नहीं कर रहा। वो रूस गया। अरे मुझे भी पीना है, सुनो मुझे भी पीना है। चलो एक बार, नहीं रोटी नहीं खाएंगे अभी तो, भूख नहीं है, पर पानी पी के आ जाएंगे। मीठा खा लो। क्या शट अप, बेकार है बेकार है। तो अब चलते हैं अपना डिनर करने। बता दिया रूम नंबर? अच्छा
अपना एक तो बता दो, 121 है। 121 और अभी 116 के लिए दो नंबर है। हाँ बैठ जाओ। से अपने रूम में और अयान जो है वो आके सो गया है क्योंकि अयान थक गया बहुत ज्यादा, है ना बेटा? हाँ। और नीचे खाना खाते खाते मेरा फोन हो गया था स्विच ऑफ, फिर हमने आके चार्जिंग पे लगाया और उसके बाद अब हम रूम में आए। हाँ। और अब हम सोएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो उसको शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, व्लॉग को लाइक और शेयर करना, और कमेंट करना और कमेंट करना। और कल हम लोग जाएंगे यहाँ पे घूमने के लिए, तो उसके लिए हम लोग उठेंगे, दिखा दो। हाँ, उसके लिए हम लोग उठेंगे जहाँ हम सुबह घूमने जाएंगे उसके लिए हम लोग जल्दी उठ के जाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा सुना है, आज ही बता दिया था इन होटल वालों ने कि बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ है वीकेंड की वजह से, तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठ के जाएंगे, इसीलिए हम लोग आज कहीं नहीं गए घूमने के लिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल।